हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आप अपने लैपटॉप का पासवर्ड भूल चुके हैं, आपके विंडोज 10 का पासवर्ड भूल चुके हैं, और यहाँ पर जब आप अपना पासवर्ड डाल रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक एरर मैसेज देखने को मिलता है, द रेफरेंस्ड अकाउंट इज करंटली लॉक्ड। तो आप यहाँ पर ये प्रॉब्लम कैसे ठीक कर सकते हैं और जो ये एरर मैसेज आपको आया है वो क्यों आया है, हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो गाइज आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो गाइज, आपको यहाँ पर ये एरर मैसेज आता क्यों है? ये एरर मैसेज आपको तब आता है जब आप अपना पासवर्ड 10 टाइम डाल देते हो और रॉन्ग पासवर्ड डाल देते हो, तो आपका यहाँ पर अकाउंट लॉक हो जाता है। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर इसको फिक्स कैसे करना है? फिक्स करने के लिए गाइज आपको क्या करना है, आपका जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वहाँ पर आपका एक शिफ्ट बटन जो कैप्स लॉक के नीचे है उसको प्रेस करके रखना है। प्रेस करके रखने के बाद गाइज आपको यहाँ पर ये आपको एक शटडाउन का बटन मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जस्ट क्लिक करना है आपको इसके ऊपर और रिस्टार्ट कर देना है। रिस्टार्ट करने से क्या होगा, जो आपका विंडोज है वो एक बार बूट हो जाएगा और यहाँ पर ये वाले विंडो के ऊपर आ जाएगा। ट्रबल शूट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद गाइज आपको एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कमांड का ये ऑप्शन मिल जाएगा, जस्ट यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा आपका विंडोज 10 का, यहाँ पर क्लिक कीजिए। एक बार क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। अगर यहाँ पर आपका पासवर्ड नहीं है, अगर बाय द वे आपने गलती से यहाँ पर कभी भी पासवर्ड डाल के रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा गाइज, आपका यहाँ पर वो ये विंडो नहीं दिखेगा, डायरेक्टली आपको नेक्स्ट विंडो दिखेगा। इन केस अगर आपके पास यहाँ पर पासवर्ड नहीं है और यहाँ पर ये विंडो आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मेथड के अंदर हम लोग यहाँ पर ये प्रॉब्लम ठीक करेंगे। पहले अगर आपका यहाँ पर ये कमांड का जो ये प्रमोट का ये अगर विंडो नहीं आता है, उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही आपके सामने ये कमांड लाइन ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको वीडियो को पहले प्रॉपर देख लीजिए, ठीक है, देखने के बाद आप यहाँ पर इजीली कर पाओगे आपकी प्रॉब्लम को ठीक। यहाँ पर क्या करना है, कमांड लाइन के अंदर आपको टाइप करना है रेग एडिट, ठीक है, और ओके एंटर प्रेस कर देना है कीबोर्ड से। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्री एडिटर के अंदर आप आ जाओगे। रजिस्ट्री पर क्लिक करके लॉर्ड यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप System32 के अंदर आ जाओगे। तो यहाँ पर आपको दिस पीसी पर करना है क्लिक, सी ड्राइव के अंदर आपको आ जाना है और गाइज यहाँ पर आपको विंडोज पर क्लिक करना है, विंडोज फोल्डर ओपन कर लेना है और इसके बाद आपको जाना है System32, ठीक है, ये फोल्डर आपको ओपन कर लेना है। डबल क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर और गाइज आपको यहाँ पर फाइंड करना है ये वाला कॉन्फिग, यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर लीजिए और इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर सैम, SAM है ये, आपको ओपन करना है। ओपन करते ही यहाँ पर आपसे की नेम पूछेगा, तो गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको डालना है RAM। आप अपना नाम भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने राम डाल दिया है, तो देखिए यहाँ पर राम नाम का की बन जाएगा। इस पर क्लिक कीजिए, इसको एक्सपेंड कर लीजिए, इसको भी एक्सपेंड कर लीजिए और यहाँ पर जाना है आपको डोमेन को एक्सपेंड करोगे, अकाउंट के अंदर जाओगे, यहाँ पर आपको यूजर पर क्लिक करना है, इसको भी एक्सपेंड कर लीजिए और गाइज आपको यहाँ पर फर्स्ट की पर ही क्लिक करना है, यहाँ पर F4 वाले पर, ओके, किसी और पर नहीं करना है, F4 वाले पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक की मिल जाएगा, ठीक है, F का नाम से, यहाँ पर ये वाला, इसको राइट क्लिक करना है और मॉडिफाई पर क्लिक कर देना है। मॉडिफाई पर क्लिक करते ही आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर जो ये 38 दिखा रहा है, 11 नंबर, इसको क्या करना है, 10 कर देना है 11 को। जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है और बैक स्पेस दबा दीजिए या फिर डिलीट बटन दबा दीजिए और इसके बाद 10 टाइप कर दीजिए, तो आपका यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर 02 आ जाएगा आगे, ठीक है, तो आपका यहाँ पर 10 होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके कर दीजिए इसको। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आपका 10 आ जाएगा इधर,
ओके, एफ की आपका हो गया है रेडी। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको हम लोग वापस से बंद कर देंगे इनको, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कीजिए इसके ऊपर, राम के ऊपर, और यहाँ पर इसको अपलोड हाईवे पर क्लिक कर दीजिए। अपलोड करना है अभी, पहले हम लोगों ने लोड किया था, अभी अपलोड करना है। यस कर दीजिए इसको, ठीक है। याद रहे आपको सेम एच डीज करना है, यहाँ से चला गया है वो क्योंकि हम लोगों ने इसको अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर कर दीजिए इसको बंद, इसको भी बंद कर दीजिए, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, बैक आना है, सिस्टम सेटिंग पर जाना है, स्टार्टअप सेटिंग के अंदर, और यहाँ पर गाइज आपको जाना है सेफ मोड के अंदर। सेफ मोड के अंदर जाने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो लैपटॉप है उसका जो कीबोर्ड है वहाँ पर आपको F4 या फिर सिर्फ फोर्थ प्रेस करते रहना है। F4 प्रेस कीजिए और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर आपका एक यूजर आ जाएगा नीचे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर जस्ट आपको करना है क्लिक, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर आ गया है जो हम लोगों ने अभी इनेबल किया था। पहले ही आपका ये वाला यूजर था जो आप जिससे लॉगिन करने का ट्राई कर रहे थे, जो कि लॉग था। अभी एडमिनिस्ट्रेटर पर जाना है आपको, और आपका अगर आपने पासवर्ड सेट किया है कभी पहले तो जस्ट आपको डाल देना है, अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड सेट किया था। अगर नहीं किया था तो ये ऑटोमेटिकली ही एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करते ही लॉगिन हो जाएगा। तो देखिए गाइज आप आ चुके हो यहाँ पर सेफ मोड के अंदर। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर आपका जो पासवर्ड था जो लॉक हो चुका था, जो आपका यूजर, उसको अनलॉक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके टास्क बार के ऊपर टास्क मैनेजर के अंदर चले जाना है और इसको कर देना है मोर डिटेल्स पर क्लिक, और यहाँ पर फाइल पर क्लिक करना है और रन न्यू टास्क पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर गाइज आपको टाइप करना है LUSRMGR.MSC, सेम एज इट इज आपको टाइप करना है, और ओके बटन पर कर दीजिए क्लिक, और इसको कर दीजिए मिनिमाइज। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है, यूजर एंड ग्रुप का। यूजर पर आपको क्लिक करना है, डबल क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर, ठीक है। जो आपका यूजर था, ये वाला यूजर था आपका, ठीक है, जो पहले यूजर था, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज के अंदर जाइए, और जो आपका अकाउंट इज लॉक्ड आउट है यहाँ पर इसको अनचेक कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर ये लॉक हो चुका था। अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। अभी कर दीजिए इसको बंद, ठीक है। अभी आपका अकाउंट हो चुका है अनलॉक। अभी आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करके रन पर जाना है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है MS config, और ओके बटन पर कर दीजिए क्लिक। यहाँ पर बूट पर जाइए आप, बूट बटन पर क्लिक कर दीजिए। सेफ जो बूट है एक बार आपको चेक कर देना है चेक बॉक्स, और अनचेक कर देना है वापस से। जस्ट अप्लाई कर दीजिए, कुछ नहीं करना था आपको, जस्ट चेक करके अनचेक करना था, और ओके कर दीजिए। यहाँ पर रिस्टार्ट कर लीजिए, ठीक है, रिस्टार्ट बटन पर कर दीजिए क्लिक। तो इससे क्या होगा, आपका विंडोज एक बार रिस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो आपका यूजर था, जो आपका लॉक हो चुका था, अभी आप अपना पासवर्ड डाल लीजिए इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो आपका पासवर्ड था, राइट क्लिक करके, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड था हम लोगों ने डाल लिया है, अभी यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। सो गाइज आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपको यहाँ पर ये एरर मैसेज आ जाता है और आपका अकाउंट लॉक हो जाता है तो उसको आपको कैसे अनलॉक करना है। अगर गाइज आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।